जब भी हम कोई आईपी एड्रेस डिवाइस में डालते हैं, वो कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। बट हर एक आईपी एड्रेस, चाहे वो क्लास ए का हो, क्लास बी का हो, क्लास सी का हो, उसके अंदर जो 32 बिट्स हैं, जो आईपी एड्रेस है बेसिकली, वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जो आईपी एड्रेस है, जो कि 32 बिट्स का है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पैरामीटर, दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, नेटवर्क बिट्स प्लस होस्ट बिट्स। इन दोनों को मिलाकर बनता है आईपी एड्रेस। यानी आईपी एड्रेस होता है 32 बिट्स का, ये फिक्स्ड है। 32 ही बिट का होगा, चाहे कोई सी भी क्लास हो, ए हो, बी हो, सी हो। बट जो नेटवर्क की बिट्स हैं, ये वाला पार्ट आपके पास, यही वाला पार्ट, ये फील्ड हैं वेरिएबल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर 32 बिट्स होना चाहिए। तो हमें कैसे फाइंड आउट हो कि कौन सी क्लास में कितने बिट्स नेटवर्क की और कितने होस्ट की, कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए एक पैरामीटर है जिसका नाम है डिफॉल्ट मास्क। तो डिफॉल्ट मास्क हमें ये बताएगा कौन सी क्लास में कितने बिट्स नेटवर्क की होते हैं। डिफॉल्ट मास्क, तो जो डिफॉल्ट मास्क फील्ड है आपके पास, ये 32 बिट्स का बाइनरी नंबर है। इट्स ए 32 बिट्स बाइनरी नंबर। मास्क जो है 32 बिट्स का बाइनरी नंबर है, जिसका फंक्शन होता है ये बताना कि कितनी बिट्स नेटवर्क की होती हैं और कितनी होस्ट की होती हैं। इट विल डिफाइन हाउ मैनी बिट्स बिलोंग्स टू नेटवर्क एंड हाउ मैनी बिट्स बिलोंग्स टू होस्ट इन एनी आईपी एड्रेस। किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर कितनी बिट्स नेटवर्क से बिलोंग करती हैं और कितनी बिट होस्ट से बिलोंग करती हैं, कितनी बिट नेटवर्क से बिलोंग करती हैं, कितनी बिट होस्ट से बिलोंग करती हैं, कौन बताएगा? डिफॉल्ट मास्क। जब कभी भी आप किसी पीसी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल क्लास ए का नंबर डालेंगे, एनी नंबर ऑफ दी क्लास है, अगर आप पीसी पे डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10.1.1.1, अगर ये आपने नंबर डाला किसमें? आईपी की फील्ड में। एक फील्ड होती है आईपी की फील्ड, अब ये दिखाते हैं दोबारा से, और दूसरी फील्ड होती है आपके पास मास्क की फील्ड। तो जैसे ही आप आईपी एड्रेस डालेंगे पीसी के अंदर, डिवाइस क्या करेगी, उसका ऑटोमेटिकली मास्क ये कैप्चर कर लेगी 255.0.0.0। अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं। यहां पर जो 255 है, ये रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क की बिट्स को, और 255 का बात है जब 8 बिट्स नेटवर्क की वन हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर किसी ऑक्टेट की 8 बिट्स अगर वन हो जाती हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 255। कैसे होती है समझाते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर इस वाले नंबर के अंदर जो नेटवर्क का हिस्सा है, जो आपके पास नेटवर्क का आपके पास जो पार्ट है, वो है कितना? 10। बिकॉज ये कौन बता रहे हैं? 255 इज रिप्रेजेंटिंग कि ऊपर जो 10 है, दैट इज द नेटवर्क पार्ट। और क्लास ए के अंदर ये जो 0 हैं 3, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं होस्ट पोर्शन को।
यानी अगर यहाँ लिखा जाए कि होस्ट का पार्ट कितना है, तो यहाँ पे जो होस्ट का जो पार्ट है या होस्ट की जो फील्ड है वो है आपके पास 1.1.1, यानी ये ज़ीरो इससे एसोसिएटेड है, ये इससे एसोसिएटेड है और ये इससे एसोसिएटेड है। तो क्लास ए का अगर हमने कोई नंबर डिवाइस में डाला, कोई भी नंबर क्लास ए का जो क्लास ए की रेंज में आता हो, 1 से लेके 126 तक, बिकॉज 0 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, 127 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो आपका उसका मास कितना होगा, इतना होगा। तो क्लास ए के नंबर के अंदर ये बता दिया गया कि जो आईपी एड्रेस है आपके पास क्लास ए का, यानी ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस के अंदर जो कि 32 बिट्स का है, इसके अंदर 8 बिट्स नेटवर्क की हैं प्लस 24 बिट्स होस्ट की हैं। 8 बिट ये, 8 ये, 8 ये, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 32 बिट्स आपके पास हो जाएगा। तो अगर हम देखें क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि अगर हम क्लास ए का कोई आईपी डालते हैं तो उसका मास क्या 255 ही आता है या कुछ और आता है, देखते हैं। तो क्लास ए का कोई भी नंबर फिलहाल जो डिस्प्ले किया गया था वो ये किया गया था, ये लिखा हमने, मास्किंग का फील्ड ये है, राइट। लेट्स से हमने क्या किया, इसको ओके कर दिया, एक मैसेज प्रिंट हुआ, डिवाइस आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि आपने कोई चीज मिस कर दी है, प्लीज उसको ऐड कर दें। प्लीज का मतलब होता है कि काम आपसे करवाया जाए, खुद ही करना है तो खुद को प्लीज नहीं बोला जाता है। अब इसके प्लीज को भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं तो इसका मतलब काम पूरा नहीं होना चाहिए, बट काम तो फिर भी पूरा हो गया। इससे दो चीजें प्रूफ में है कि क्लास ए का मास्क यही होता है, हमने आपकी आंखों के सामने डाला ही नहीं, हमने क्या किया, सिर्फ डाला 10.1.1.1 और उसको ओके कर दिया, जिसके रेस्पेक्ट में डिवाइस ने कहा कि आपने कोई पैरामीटर मिस कर दिया उसको पूरा करें, और उसको भी हमने कैंसिल मार दिया। उसके बावजूद आप देखते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसका मतलब दो चीज़ें प्रूफ हुई, एक तो चीज़ ये प्रूफ हुई कि क्लास ए का मास्क ये होता है, दूसरा पैरामीटर ये प्रूफ हुआ ये बहुत ही कंपलसरी पैरामीटर है, अदरवाइज तो उसको निगलेक्ट करने में, निगेट करने में अट जानी चाहिए थी। क्यों ज़रूरी है थोड़ी देर में देखेंगे। नाउ सिमिलरली अगर क्लास बी का नंबर हो तो क्या आपके पास आएगा, क्लास बी का फॉर एग्जांपल नंबर है कोई क्लास बी, और क्लास बी का कोई नंबर हमने लिया फॉर एग्जांपल 172, लेट्स से 19, लेट्स से 10, लेट्स से 20, ये नंबर हमने पीसी के अंदर अप्लाई किया, तो डिवाइस क्या करेगी, ऑटोमेटिकली मास्क कैप्चर कर लेगी इसका, नॉट ओनली फॉर दिस नंबर, कि क्लास बी का कोई भी नंबर जिसका पहला ऑक्टेट 128 से लेकर 191 हो, ये क्लास बी कहलाता है। कोई भी नंबर 128 से 191 तक पहले ऑक्टेट में एंटर करेंगे तो डिवाइस जो मास कैप्चर करेगी वो करेगी 255.255.0.0। यहाँ पर हर एक 255 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेटवर्क का हिस्सा है, यानी 172 नेटवर्क का हिस्सा है और 19 भी नेटवर्क का हिस्सा है, यानी जो नेटवर्क पार्ट बना, नेटवर्क पार्ट आपके पास इक्वल टू हो गया 172.19 के। ठीक, हाँ जी ठीक है। दूसरा आपके पास जो होस्ट का जो पोर्शन है 0 और 0, ये होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 10 होस्ट का पार्ट है और 20 भी होस्ट का पार्ट है, यानी यहाँ पर होस्ट जो पार्ट आपके पास आया दैट इज इक्वल टू 10.20। तो क्लास बी के अंदर जो आईपी एड्रेस है जो कि 32 बिट्स का है वो बराबर है नेटवर्क की बिट्स के प्लस होस्ट की बिट्स के, और यहाँ पे जो नेटवर्क की बिट्स हैं वो कितनी हैं,
16, होस्ट की बिट्स भी 16, इक्वल टू कितना हो गया 32। तो इसको हम देखते हैं क्या वाकई में हम डालते हैं तो ये डिवाइस जो है क्या करती है, एड्रेस जो लेती है उसका मास क्या लेती है। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे चले गए, IPv4, यहाँ पर आई पी एड्रेस हमने क्लास बी का डाला 172.16 लेट्स से .10.20। अगेन हमने ओके कर दिया, सेम मैसेज आया कुछ मिस कर दिया गया है, बट जो मिस कर दिया गया है उसको डालना चाहिए, डिवाइस ने रिक्वेस्ट की, हमने रिजेक्ट कर दिया या ओके कर दिया, डाला तो नहीं ना, खुद पड़ गया। इसका मतलब एक तो ये प्रूफ क्लास बी का मास की होता है, दूसरा ये कंपलसरी पैरामीटर है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्लास सी की तरफ चलते हैं। क्लास सी की तरफ चलते हैं। क्लास सी में फॉर एग्जांपल हमने किसी पीसी के ऊपर जो आईपी एड्रेस डाला वो फॉर एग्जांपल 192.3.9 लिया, इसका जो मास्क डिवाइस कैप्चर करेगी दैट इज 255.255 और 255.0। तो यहाँ पर जितने भी 255 हैं ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क नेटवर्क और ये नेटवर्क, और जो ज़ीरो है वो रिप्रेजेंट करता है होस्ट को। तो यहाँ पर जो होस्ट का जो पार्ट है वो कितना है, केवल 9, होस्ट का पार्ट इक्वल टू दी 9, और जो नेटवर्क का पार्ट है, जो नेटवर्क का पार्ट है, नेटवर्क का हिस्सा है वो है 199.2.3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है, जो नेटवर्क की बिट प्लस होस्ट की बिट्स का अगेन कॉम्बिनेशन है, तो 32 बराबर यहाँ पर होगा 24+8 बिट्स, दीज आर दी बिट्स, 8 बिट्स 24 बिट्स। आईपी एड्रेस किसी भी क्लास का हो 32 बिट्स का है। तो पता ये चला कि क्लास ए की बात करते हैं तो क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की होती हैं, 24 होस्ट की होती हैं, बराबर 32 के हो गया। क्लास बी में गए, 16 बिट्स नेटवर्क, 16 होस्ट, इक्वल टू 32। क्लास सी 24 नेटवर्क, 8 होस्ट, इक्वल टू 30। कोई भी क्लास हो हर एक क्लास का आईपी एड्रेस 32 बिट का ही होगा। जो नेटवर्क की फिक्स्ड बिट्स हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, होस्ट की बिट्स को हम वेरी कर सकते हैं। अब दूसरा पैरामीटर ये कि इसका फ़ायदा क्या है, ये तो पता लग गया इससे कि नेटवर्क की बिट्स कितनी है और होस्ट की बिट्स कितनी है, लेकिन ये जो मास्क ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, आना तो चाहिए था हमारे दाने के बाद, बट बिना हमारी मर्जी के आ जा रहे हैं, कुछ तो कर रही होगी नेटवर्क डिवाइस। आपने अपने इंजीनियरिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, एंड गेट पढ़ा है, यहाँ पे एंड गेट का इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया की हर एक डिवाइस यूज़ करती है एंड गेट, कैसे यूज़ करती है थोड़ी देर में देखो।